श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राजा राम राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम् कान्तिस्सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां योगुंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः श्रीवृंदावन बिहारी लाल की श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना मैया की श्री बांके बिहारी लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की संत समाज की जय जय सीताराम। मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युम मूर्धनि भ्राजत बिलुलित कच श्रग्धरो रक्त नेत्र जैत्रैर दूर्भिर् जगद अभयदयैः दंदशूकं गृहीत्वा मथनन मथना प्रतिगिरिरिवाशोभिताथोद्धृताद्रिः भगवान की मंगलमयी भास्वती अनुकंपा से समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा है। करुणा में भगवान श्री हरि स्वयं समुद्र का मंथन किए, अब प्रकट होना आरंभ हो गया, अवरोध समाप्त हो गया, अब तो प्रकट होता ही रहेगा कोई मतलब। जब तक अवरोध समाप्त नहीं हुआ तब तक बात बनी नहीं। अवरोध को समाप्त करने वाले तो राम जी हैं, राम जी के बिना अवरोध को कोई समाप्त कर नहीं सकता। मथा गया समुद्र नहीं निकला, अवरोध समाप्त नहीं। अब ठाकुर ने जब अवरोध समाप्त कर दिया अब निकलता रहेगा। ज्यों ही श्री राम जी ने मंथन शुरू किया परिणाम क्या हुआ, जहर निकला, पहले पहले जहर निकला। निर्मथ्यमानाद उदधेहि
अभूत विषम। वो विष कैसा था? महोल वणम, हाला हला हुआ मग्रतः, बड़ा भयंकर था, बहुत भयंकर था महाराज जी। उसके प्रकट होने के साथ ही साथ सब जलने लग गए। हाहंत, अब अमृत पीने के लिए बचेगा ही कौन? अब तो सब मर जाएंगे, अब कौन बचेगा अमृत पीने के लिए? भगवान नारायण चुप, शुरू से लेके अंत तक सब काम कर रहे हैं, इस समय चुप, एकदम चुप। भगवान आगे आए नहीं, लोग देख रहे हैं कि हम लोग जल रहे हैं, ठाकुर चुप हैं, क्या बात है? भगवान ने कहा जहर और हम नहीं पीते, जहर जिसका काम पीना है वो पिए, हम तो जहर पीते नहीं। हम तो भैया अगर अयोध्या जी चले जाए तो चकाचक, मोहन भोग, मालपुआ, तस्मई उड़ती है। ब्रजधाम चले जाए तो माखन मिश्री मिलती है। ये हमारे काम करें, जिसका काम जहर पीना हो उसको बुलाओ। भगवान शंकर को बुलाओ। दूसरी बात, ठाकुर जी ने सोचा कि प्रार्थना करने में तो भगवान शंकर थे, स्मरण करिएगा, प्रार्थना करने में भगवान शंकर थे, और उसके बाद शंकर जी एकदम गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। तो जहर श्री राम अमृत निकल जाएगा, लोग पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, शंकर जी का कोई नाम ही नहीं आएगा, कोई रोल ही नहीं होगा, का ये सब कुछ नहीं। शंकर जी को भी आना चाहिए, इस काम में उनको संलग्न होना चाहिए, इसलिए भगवान चुप हैं कि शंकर जी को बुलाओ। तीसरी बात, अगर जहर पीने वाला कोई न होता तो अमृत कौन पीता? अमृत निकालने वाला महत्वपूर्ण नहीं, अमृत पीने वाला महत्वपूर्ण नहीं, अमृत पिलाने वाला महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण तो वो है जो जहर पी लेता है। जहर पीने वाला महत्वपूर्ण है, इसलिए महादेव और कोई नहीं, महादेव तो श्री शंकर है। भगवान परम कृपालु, परम हितैषी, कहते मेरे शंकर का, मेरे शंकर का अत्यधिक महत्व है। हम जहर पी लेंगे तो कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन शंकर जहर पी लेंगे तो शंकर का नाम अमर हो जाएगा। दुनिया के इतिहास में, त्रैलोक्य के इतिहास में शंकर का नाम अमर हो जाएगा। लोग बड़े ठाट के साथ गाएंगे कि ऐसा कृपालु दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जेही पान किए तेही न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर शरीस को कृपालु मोहिनी सरिस। कोई नहीं कहता मरे। मोहिनी ने जब अमृत पिलाया है कोई नहीं कहता को कृपालु मोहिनी सरिस ना, कहते को कृपालु शंकर सरिस। यह यश भगवान शंकर को श्री नारायण देना चाहते हैं, ठाकुर जी देना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी मौन। लोग आए, महाराज जी कहे बुलाओ, सब देवता आर्त स्वर से बोलाने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। अब मैं जितना अर्थ कहा हूं ना, अभी पदों में आप जरा खोजिएगा तो आपको मिलेगा, अब नहीं खोजोगे तो हम क्या करें, फिर हम कहां तक समझाएंगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राही न शरणापन्नान। हमारी रक्षा करो स्वामी, हे भोले बाबा हमारी रक्षा करो,
हे त्रिपुरारे हमारी रक्षा करो। किससे? त्रैलोक्य दहना दिशा, इससे हमारी रक्षा करो। ये त्रैलोक्य को जला रहा है, बोले आप हमारी रक्षा करो इससे। भगवान शंकर ने देखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शंकर जी का हृदय हाहाकार कर उठा, हाहंत मेरे बच्चे जल रहे हैं, मेरे देवता जल रहे हैं, वृष पीड़ित शब्द देखिएगा, वृष पीड़ित क्यों वृष पीड़ित कृपया वृष पीड़ित देखा कृपया वृष पीड़ित तो कृपा क्यों आई? तद वीक्ष्य व्यसनम तासाम, तेसाम भी पाठ है, तद वीक्ष्य व्यसनम तासाम कृपया भृष पीड़ित। आपको शब्द से अर्थ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बहुत कुछ मैं ऐसे कह जाता हूं जो कहना चाहिए। अब क्यों ऐसा है रहा है, ये कृपा क्यों आई कि व्यसनम वीक्ष्य, तो व्यसनम वीक्ष्य भी कृपा क्यों आई, कष्ट को देख करके भी कृपा क्यों आई? कि सर्वभूत सुहृद, सर्वभूत सुहृद, और सुन लो कि देवः इदमाह सतीम प्रियाम। सती से कहते हैं, सती मेरा आधा अंग तो तुम्हारा है, तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे बगैर पूछे इस शरीर का मरने में उपयोग नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, जीने में तो उपयोग कर सकता हूं लेकिन मरने में उपयोग नहीं कर सकता, हो सकता मर ही जाऊं। तो श्री सती की ओर देखते हैं, कहते हैं भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो भवान अहो बतु भवानी एतत् प्रजानाम पश्य वैशेषम, देख रहे हैं इन प्रजाओं का वैशेष, देख रहे हैं वैशेष माने दुख, देख इनका क्लेश, देख इनका क्लेश देख करके ये क्यों हुआ सब बता दिया भगवान शंकर ने। और देवी एक बात बताऊं, बड़ी बढ़िया बड़ी कीमती लाइन बता रहा हूं, पकड़ लेना, तो बड़ी कीमती लाइन कि मैं ऐसा करूंगा तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, और भगवान के खुश होने पर, फिर भगवान के प्रसन्न होने पर किसी का प्रसन्न होना अवशेष नहीं रहता है। पुंसक कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, कितनी कीमती लाइन है, विद्वान लोग इसका आनंद लें और आप लोग भी आनंद तो लेंगे ही, उतना नहीं ले पाएंगे। पुंसक कृपयतः भद्रे, भद्रे संबोधन भी बड़ा मंगल रहे, हे भद्रे पुंसक कृपयतः सर्वात्मा हरि प्रियते, अगर प्राणी के ऊपर कृपा करो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।